हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, मुझे गिफ्ट आया है। फ्रेंड्स, गिफ्ट आया है। हाँ, मैं गिफ्ट की ही बात कर रही हूँ, तो मैं खुश नहीं हूँ गिफ्ट से। आप लोग सोच रहे होंगे गिफ्ट आया कौन सा, घर में बम आया है। तो देखिए, मैं गिफ्ट से खुश नहीं हूँ क्योंकि मुझे सरप्राइज गिफ्ट आया है और मुझे पता नहीं है कि वो गिफ्ट किसने दिया है, इसलिए मैं थोड़ा टेंशन में हूँ और मैं ये जानना चाहती हूँ कि गिफ्ट किसने दिया है। तो फ्रेंड्स, 2 दिन हो गया गिफ्ट आके और अभी तक पता नहीं चला कि किसने गिफ्ट दिया है। पता नहीं फ्रेंड्स किसने गिफ्ट दिया है। पार्सल आया है, पिन कोड तो मुंबई का ही है, किसी मुंबई में से किसी ने दिया है, लेकिन उसमें नाम नहीं है और एक लेटर है उसमें। तो उसमें लिखा है कि ये ड्रेस पहन के आपको वीडियो बनाना है, प्लीज़ आप मेरी रिक्वेस्ट मान लेना। सिर्फ इतना ही उसमें लिखा है और लेटर में एक ही लाइन। तो फ्रेंड्स, मैं ये सोच रही हूँ कि वो आखिर गिफ्ट दिया किसने, और लास्ट में लिखा है आपका सबसे ज़्यादा चाहने वाला। तो फ्रेंड्स, ऐसा कौन है जो सबसे ज़्यादा चाहने वाला है और गिफ्ट दिया और अपना नाम भी नहीं लिखा है? तो अभी तक मैंने उस गिफ्ट को खेला नहीं है, खोल के मैं आपको दिखाऊंगी। एक्चुअली है तो उसमें ड्रेस ही है, उसमें और ऐसा कुछ भी नहीं है। ड्रेस है जो मुझे पहनना है, क्योंकि मुंबई में अगर कोई ऐसी अनजान वस्तुएं हैं, अनजान चीज़ें हैं, अनजान बैग है, कुछ भी है, तो हर जगह यही अलाउंस होता रहता है कि छूना मत, देखना मत। मेरे पास तो अनजान ने गिफ्ट ही भेज दिया, तो मैं क्यों टेंशन में ना रहूं। और वीडियो बनाना, इसका मतलब जिसने मुझे गिफ्ट दिया है वो मेरे बारे में इतना जानता है कि मैं वीडियो बनाती हूँ, वो मुझे अच्छी तरह से जानता है और मैं गिफ्ट भी दिखा रही हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, ये है गिफ्ट और इसमें 3 कलर का कुछ दिख रहा है, शायद इसमें 3 ड्रेस है, तो वो मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ। और ये 3 दिन हो गया, सैटरडे को मेरे पास आया है, संडे, आज मंडे है, तो सैटरडे को आया। तो मैंने सोचा कि जब तक 3 दिन में है तो शायद कोई मैसेज या फ़ोन कॉल करके मुझे इसका बताएगा कि इसमें क्या है, कौन सा गिफ्ट है, कोई मजाक कर रहा होगा तो वो तो देगा। लेकिन अभी आज तक 3 दिन हो गया, कुछ पता ही नहीं चला कि क्या है, तो इसलिए मैं अभी ये गिफ्ट खोल रही हूँ और बोल रही हूँ कि प्लीज़ मैं मुझे इतना ज़्यादा टेंशन मत दो और मुझे बताओ कि इस गिफ्ट में क्या है और किसने ये मुझे गिफ्ट भेजा है। पहला तो ये है फ्रेंड, ये कुछ कपड़ा ही है, मैं खोलती हूँ इसमें क्या है। तो ये ड्रेस पहले इसको दिखाती हूँ। वाओ, कितना अच्छा ड्रेस है, पैटर्न भी मस्त है। देखिए पास से, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये ड्रेस है, ये पीछे सा बैक साइड का है बैक, और ये सामने से ऐसा, और नीचे। तो ये तो बहुत अच्छा है, मुझे पसंद भी है, थैंक यू। लेकिन मुझे जल्दी से जल्दी बताओ कि ये किसने गिफ्ट दिया है।
और मैं दूसरा भी दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, अभी ये एक हो गया, इसमें तीन है, मैं आपको बताई थी इसमें तीन ड्रेस हैं। वो एक निकाला, अब सबसे क्यूट ये है, दूसरा दिखा रही हूँ, ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसको मैं खोलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मैं इसको बहुत जल्दी खोलना चाहती हूँ, इसमें बहुत अच्छी चीज़ दिख रही है कुछ तो। इसका कपड़ा मुझे बहुत ही अच्छा दिख रहा है, वो मैं आपको भी पास से ही दिखाऊंगी। तो इसमें क्या है, ये कौन से पैटर्न में है तो ड्रेस इतना में मुझे पता हो गया है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, वाह ये कितना सुंदर है, ये देखिए है तो ये भी ड्रेस ही, और ये ऊपर से ऐसा दोनों साइड इसका ऐसा ही पैटर्न है, और ये लास्ट तक नीचे का ऐसा ही है। और ये भी मेरे साइज का है, मेरा साइज मुझे कपड़े हाथ में लेने से ही पता चल जाता है, तो ये भी मेरे साइज का ही है, लेकिन ये बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा लग रहा है, और इसका कलर भी बहुत अच्छा, पैटर्न भी बहुत अच्छा, मैं ज़रूर ये पहन के वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू, ये मुझे बहुत पसंद आया, बहुत 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 अच्छा है। और ये तो ये दूसरा है, अभी मैं आपको तीसरा भी दिखाने वाली हूँ। तीसरा क्या है, ये है तीसरा, तो ये तो बहुत हैवी लग रहा है, ये क्या है, वाह ये भी देखो, ये ड्रेस ही है, अरे वाह ये तो बहुत बड़ा है, ये लगता है कि अनारकली है, नीचे फ्रॉक है, इसका स्टीम फ्री, वाह ये तो मुझे और भी पसंद आया, मुझे ऐसा ही ड्रेस चाहिए था, मुझे मैं काफ़ी टाइम से सोच भी रही थी ऐसा लेने का लॉन्ग में, तो ये पूरा लॉन्ग में ही है, और ये भी मुझे बहुत पसंद है। एक्चुअली मुझे तीनों ड्रेस बहुत पसंद है, बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स मैं तीन दिन से यही टेंशन में थी कि ये ड्रेस किसका है और किसने गिफ्ट किया है, बस मैं यही सोच रही थी, तो जाके आज काफ़ी टाइम के बाद ये मैं तीन दिन के बाद मैं ये गिफ्ट खोल रही हूँ। तो फ्रेंड्स अभी आपको ये इसमें तीन में से कौन अच्छा लगा, मुझे तो तीनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये इसका आस्तीन फ्री है, फ्री आस्तीन है, तो मेरे पास ये वाली आस्तीन का ड्रेस शायद है कि फ्री आस्तीन का, सोचना पड़ेगा, शायद एक दो है, तो इतना नहीं है, वो इतना फ्री में नहीं था, और मैं काफ़ी टाइम से सोच भी रही थी कि मुझे ऐसा ड्रेस चाहिए, मैं घर में एक दो बार बोली भी थी कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, मैं ये ड्रेस मैं मुझे ड्रेस लेने जाना है, तो मैं ड्रेस लेने जाऊंगी। तो पता नहीं अभी ऐसे कैसे मालूम पड़ गया गिफ्ट देने वाले को कि मुझे ये ऐसा ड्रेस चाहिए, तो सेम और मुझे सीवी लेस है, ये वाला जो ड्रेस है ये स्लीव लेस है, ये और मुझे स्लीव लेस ड्रेस बहुत पसंद है, मैं बिना आस्तीन का ये स्लीव लेस पहनती हूँ, मुझे अच्छा लगता है गर्मियों में, और या कि फिर ये छोटा वाला आस्तीन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, जो इतने आस्तीन का ड्रेस बनता है वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। सॉरी मैं ये ड्रेस है ना ये मैं दिखा देती हूँ, इसका तो आस्तीन छोटा है, तो मैं पहन रही हूँ, अभी बना है तो मेरे हस्बैंड इसको बनाए, वो तो टेलर ही हैं, तो मैं पहन रही हूँ, बना दिए तो ड्रेस ही है ये, लेकिन मुझे ऐसा आस्तीन वाला ड्रेस पसंद नहीं है, फिर इतना आस्तीन होना चाहिए या कि फिर ये सिवी लेस, तो ज़्यादा मैं इतना ही करती हूँ, इतने आस्तीन वाला ही पहनती हूँ। तो अभी ये मुझे बहुत पसंद है, ये तीनों में से सारे है, ये फर्स्ट नंबर ये और फिर सेकेंड ये पसंद है, ये भी मुझे चाहिए, इसका कलर भी बहुत प्यारा है, और ये पूरा काटन है, प्योर काटन का कपड़ा ये, और ये नेट और सिल्क में है वो, और इसका तो कलर भी बहुत अच्छा है, कलर तो इसका भी अच्छा है, और ये भी इसका भी कलर अच्छा ही है। गिफ्ट देने वाला सारी मेरे मन की बात जानता है, मेरे माइंड की, कि इतना मतलब मैं कैसा पहनती हूँ, मुझे क्या पसंद है, तो उसके हिसाब से मुझे गिफ्ट मिला है। मैं ये तो बोल सकती हूँ कि जो मुझे अच्छी तरह से समझ रहे हैं, अभी समझ रहा है कि रही है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि किसने गिफ्ट दिया है,
इसीलिए मैं यही बोल रही हूँ कि जो अच्छी तरह से मुझे समझ रहे हैं, रहा या रही के बीच वाला वर्ड मैं बोल रही हूँ, समझ रहे हैं, उन्होंने मुझे ये गिफ्ट दिया है। और अभी मैं, मुझे पता चलेगा तो प्लीज़ आप लोग भी देखते रहना कि मैं कमेंट्स में बताऊंगी, आप लोग का कमेंट्स आएगा कि गिफ्ट का मालूम पड़ा कि किसने दिया कि नहीं, तो मैं कमेंट्स में आंसर दे दूंगी, बता दूंगी। मुझे जैसे ही मालूम पड़ा तो पहले मैं कमेंट्स में लिखूंगी कि हाँ मुझे मालूम पड़ गया कि गिफ्ट किसने मुझे दिया है ये ड्रेस। और जिसने भी दिया है तो मैं ये वीडियो बना के डाल रही हूँ, प्लीज़ आप जल्दी से ये मुझे दूसरा मैसेज करो और कुछ बोलो कि मैंने गिफ्ट दिया है। मैं बहुत टेंशन में हूँ किसने गिफ्ट दिया, वरना मैं ये ड्रेस पहन के वीडियो नहीं बनाऊंगी। जब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि गिफ्ट मुझे किसने दिया है तो मैं पहनने वाली नहीं हूँ और ना मैं वीडियो बनाऊंगी ये ड्रेस में। तो जल्दी ही आप लोग मुझे बताओ, आप बताओ जिसने भी मुझे गिफ्ट दिया है, आप कोई लेडीज हो या जेंट्स हो, कोई भी हो, मुझे बताओ कि किसने गिफ्ट दिया है। और ये गिफ्ट किसी मेरे नज़दीकी वाले ने ही दिया है, कोई मेरे पहचान, क्योंकि उस गिफ्ट का जो साइज है पूरा परफेक्ट है, मेरा मेरे ही साइज का गिफ्ट है ये ड्रेस है, तो ये मेरे साइज का और मेरा फेवरेट कलर है। मैं ज़्यादा बड़े बड़े प्रिंट वगैरह ऐसे ड्रेस नहीं पहनती हूँ, तो ये ड्रेस तो ये सब मुझे पता है कि दिया तो कोई मेरे अपनों ने ही है, अभी अपनों ने दिया कि किसने दिया, लेकिन जो मुझे जानता है अच्छी तरह से, काफ़ी टाइम से जान रहा होगा, उसने ही मुझे गिफ्ट दिया है। तो प्लीज़ आप जल्दी से एक्सेप्ट करो कि किसने गिफ्ट दिया है, तो मैं ये पहन के वीडियो बनाती हूँ। और हाँ, ये बात तो मैं भूल ही गई थी, जिसने भी मुझे गिफ्ट दिया उसे ये भी पता है कि मैं वीडियो बनाती हूँ यूट्यूब का, मैं यूट्यूब में वीडियो डालती हूँ। तो अभी आप लोग भी सोचो कि ये गिफ्ट मुझे किसने दे दिए, तो आप लोग भी कमेंट्स में लिखो, कुछ तो आइडिया दो, अगर आपको कोई आइडिया है तो आप आइडिया दो। और एक्चुअली गिफ्ट मुझे बहुत पसंद है, और अगर मुझे पता नहीं चला तो मैं कैसे पहनूंगी, और मैं पहनूंगी नहीं पक्का, मुझे बहुत पसंद है, मैं पहनना चाहती हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं आज ही पहन के और ट्राई करूँ कि किसने दिया है, लेकिन मैं नहीं पहनूंगी जब तक मुझे पता नहीं चला कि ये गिफ्ट मुझे किसने दिया है, तो मैं नहीं पहनूंगी। और मैं एक बात और भी बोल दे रही हूँ कि जल्दी से बोलो, अगर आज मंडे है और मंडे मैं 3 दिन का टाइम दे रही हूँ, 3 दिन हो गया, 3 दिन में मुझे पता नहीं चला तो मैं किसी और को दे दूँगी। मैं दे दूँगी, ले जाके मंदिर के पास जो बैठते हैं गरीब लोग उनको मैं जाके दे दूँगी। जब तक मुझे पता नहीं चला तो मैं नहीं पहनूँगी, 3 दिन का टाइम दे रही हूँ, 3 दिन में मुझे पता होना चाहिए कि ये ड्रेस किसने दिया है। तो जल्दी बोलो अगर चाहते हो कि ये गिफ्ट दिया हुआ है और मैं पहनूँ, मेरे लिए ही दिया है, तो आप 3 दिन के अंदर ही मुझे बता दो कि ये गिफ्ट किसने दिया है, तभी मैं पहनूंगी। इसीलिए मैं वीडियो बना के डाल रही हूँ, ये गिफ्ट भी दिखा रही हूँ कि हाँ गिफ्ट मुझे मिल गया है, मेरे पास तक आ गया है, मैं ले ली हूँ और मैंने देखा भी खोल के, अच्छा है, मुझे पसंद है, मैं पहनूंगी, मुझे बहुत पसंद है। मैं चाहे जितना पहनूँ, मैं तो ज़्यादा ड्रेस नहीं पहनती सारी, क्योंकि मेरे खुद ही मेरे दुकान है, बनाते हैं हस्बैंड, तो अच्छा है, लेकिन मैं पहनूंगी इसको, वीडियो बनाऊंगी पहन के, तीनों ड्रेस पहनूंगी। और देने वाले ने भी सिर्फ ये टॉप ही दिया है, ये भी दिया है, फ्रॉक दिया है और ये टॉप दिए हैं, सॉरी आप जो भी हो तो ये आप टॉप दिए हैं, लेगिंग्स कौन देगा, गिफ्ट तो आप दिए लेकिन लेगिंग्स तो मुझे ही लेना पड़ेगा ना अभी एक्स्ट्रा में, तो आप लेगिंग्स वगैरह कुछ दिए नहीं, तो प्लीज़ जल्दी से आज आप अपना ये गिफ्ट बोलो कि किसने दिया है, तो फिर मैं लेगिंग्स खरीदूँ इसका, दुपट्टे की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मेरे पास है, स्कार्फ है, मैं वो यूज कर लूँगी, तो इसका मैं कुछ फिर ये और सेट करूँ, हाफ हो है, देखो अधूरा ही है, खाली ये ड्रेस है, तो इसके लिए मुझे लेगिंग्स लेना पड़ेगा या जींस वगैरह कुछ भी मैं फिर लूँगी, तो पहले मुझे मालूम पड़ेगा, उसके बाद मैं इसको सेट तैयार करूँगी तभी पहनूँगी। तो फ्रेंड्स आप लोग भी कुछ आइडिया देना कि ये किसका हो सकता है, ये काम किसने दिया होगा, तो कुछ आइडिया देना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, ड्रेस बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा लग रहा है।